हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लिए एक और यमी सा सैलेड लेके आई हूँ। इतनी सारी सब्जियाँ आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं तो सैलेड्स बनाने का बहुत मन करता है और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि आप कुछ हेल्दी बताइए। तो आई थिंक इससे ज़्यादा हेल्दी कुछ नहीं हो सकता कि आपके पास ये वेजिटेबल्स हैं, इनको हम स्टर फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने ब्रोकली ली है, इसको अच्छे से धो लिया है, साफ करके इसके फ्लोरेट्स को अलग कर लिया है। आप कम ज्यादा सब्जियां कर सकते हैं। ये मैंने हाफ कप के करीब कॉर्न को बॉईल कर लिया है, एक गाजर को ऐसे स्लाइस कर लिया है, शिमला मिर्च एक को ऐसे बारीक काट लिया है सीड्स निकाल के, एक प्याज के ऐसे हमने पीसेस कर लिए हैं और 5 to 6 मशरूम को मैंने ले लिया है, ऐसे चॉप कर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार है, काली मिर्च पाउडर है पिसा हुआ कुटा हुआ, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये यमी सी रेसिपी। ये देखिए, पैन गरम होने के लिए हमने रख दिया है और 1 टेबलस्पून हमने उसमें डाल दिया है ऑलिव ऑयल। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगने वाला है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम सबसे पहले डाल रहे हैं इसमें प्याज और इसको सौते करेंगे। अब हम ना सारी सब्जियां साथ में डाल देंगे और इनको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। ऐसे ना बहुत आसान सा तरीका है ये, तो हाई फ्लेम रखेंगे हम और लगातार इनको चलाते हुए हम कुक करेंगे। हमें सब्जियां ना क्रंची रखनी है, हमें इसको बहुत गलाना नहीं है। ये देखिए, कलर बिल्कुल बरकरार है, कलर बिल्कुल जैसा है सब्जियों का वैसा ही लग रहा है। बस हमें इसे थोड़ा सौते करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। 1 मिनट के लिए ना मैंने इसको ढक दिया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ये हमने बीन्स भी डाल दी हैं इसमें, हमारी बीन्स रह गई थी, 7 to 8 बीन्स आप डाल सकते हैं। सब्जियों का मैं बोल रही हूँ ना, चॉइस आपकी है, आप जो भी कम ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो रख सकते हैं। और मैं यहाँ बताऊँ, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो दिस ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू। वेट लॉस के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। अब हम डाल रहे हैं मशरूम और इसको फिर थोड़ा देर चलाते हैं। अब हमारी ये सब्जियां रेडी हो गई हैं और अब हम डाल रहे हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। फ्रेश कुटी हुई हो तो बहुत अच्छी है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हम इसमें कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, आप देखिए, और ये बहुत बहुत यम्मी लगता है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ, ये जरूरी नहीं है। अगर आप हल्का खट्टा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिना विनेगर के भी खा सकते हैं। तो अब हमारी ये इसको मिक्स करते हैं सब्जियों को और ये रेडी है। और ये देखिए, हमारा ये यमी सा मिक्सचर वेजिटेबल्स का तैयार है। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ, बहुत ही यमी है, बहुत बढ़िया, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।